जस्ट टेल मी वेदर यू हैव कवर्ड दिस आर्टिकल इन योर क्लास और नॉट। इफ यस प्लीज राइट रेज योर राइट हैंड, इफ नो प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग सो यू हैव टू रेसिप्रोकेट, ताकि हम इसको कम टाइम दें। वेयर एवर आई विल आस्क यू हैव टू आंसर मी, तब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। आपको पता है जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जैसे कि पंजाब की एग्जांपल लूं तो नंगल डैम, वहां से ये बिजली बनता है, वहां से फिर ये आता है बेटे ओवरहेड केबल्स के थ्रू। कौन बच्चा बताएगा ओवरहेड केबल्स किस मटेरियल की बनी होती? शाबाश, कौन सा बच्चा बताएगा? ओवरहेड केबल्स जो सड़क पे आपने देखी होती हैं, दैट इज ऑफ विच मटेरियल? नो वन बेटे, दे आर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अब ये अगर कोई मेरे से बच्चा पूछते हो, सर इज इट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस, नॉट गुड, वेरी गुड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या सर ये गुड है तो मतलब बेस्ट है ये? नो, बेस्ट नहीं है, एल्यूमिनियम से बेटर होता है सिल्वर है, कॉपर इससे भी बेटर है, कॉपर से बेटर सिल्वर है, सिल्वर से बेटर गोल्ड है। तो कैन यू टेल मी कि इसकी जगह पर हम कॉपर या सिल्वर या गोल्ड ये क्यों नहीं लगा लेते? एनी बॉडी, एनी बॉडी बच्चे, वाई कांट बी यूज एनी ऑफ दीज थ्री मेटल्स फॉर एज द ओवरहेड केबल्स विच ब्रिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन टू अवर सिटीज, टू अवर विलेजेस, टू शोरूम्स, टू फैक्ट्रीज? कैन एनी बॉडी टेल? सो बेटे, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग सर सिल्वर एंड कॉपर आर क्वाइट कॉस्टली, ऑल दो दे आर गुड कंडक्टर्स, क्वाइट कॉस्टली, मंजूर। लेकिन कॉपर, कॉपर उतना महंगा नहीं है बच्चे, और कॉपर एल्यूमिनियम से बेटर कंडक्टर भी है, पर फिर भी हम कॉपर को यूज नहीं करते। कॉपर का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर, दैट इज मच लार्जर देन एल्यूमिनियम। उससे क्या होगा, ओवरहेड केबल्स जो ऐसे जा रही हैं, हॉट सनी डेज होंगे जब सन रेज फॉल करेंगी इनके ऊपर, तो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट भी होता है, तो ये जल्दी हीट पकड़ लेगा और गर्मियों में ये स्लैंग कर जाएगा, स्लैंग, और मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं, और इनकी वोल्टेज भी बहुत ज्यादा होती है, 10,000 वोल्ट के आसपास होती है। एल्यूमिनियम जो है ये लाइट वेटेड मेटल है। एल्यूमिनियम के फीचर्स सुन लो, लाइट वेटेड, कंपैरेटिवली डेंसिटी कम है बाकी मेटलों से, दूसरी बात गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, ऑल दो हीट की भी है, हीट की भी गुड कंडक्टर होने के बावजूद, पर लाइट वेटेड है तो ग्रेविटी उसको कम स्लैंग कर पाएगी। और तीसरा बात है बेटे, एक साइंटिस्ट की मेहरबानी की वजह से इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान हो गया, इसलिए ये वेरी इकोनॉमिकल मेटल है। इतनी इकोनॉमिकल मेटल है कि हम लोग एरोप्लेन की बॉडी, बस की बॉडी, बड़ी बड़ी बॉडीज जो होती है वो एल्यूमिनियम की बनाते हैं, एनवायरनमेंट का कम इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम लेते हैं। एनी हाउ, तो जब ये हमारे पास तीन वायर्स घर में आ गई बेटे, आप एक के ऊपर मैं एल लिख रहा हूं, एक के ऊपर एन लिख रहा हूं, एक के ऊपर जी लिख रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों का क्या मीनिंग है? एनी बॉडी,
बेटे को आप पार्टिसिपेशन कम है, या तो आपका नॉलेज वीक है या आप सुस्त हो बच्चे। टीचर आपसे पूछ रहा है कि कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज थ्री वायर्स, लाइव वायर, शाबाश, न्यूट्रल वायर, वेरी गुड, और अर्थ वायर भी बोल देते हैं इसको, ग्राउंड वायर भी बोल देते। क्लियर? ये जो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर, इसका क्या काम होता है बेटे? व्हाट इज द वायर ऑफ जॉब ऑफ सेंट्रल वायर न्यूट्रल? ये हमारा जो इधर घर का सर्किट होएगा उससे करंट को वापिस लेके जाती है, कहां तक? हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन तक। तब और लाइव वायर करंट लेकर आती है घर की तरफ या सिटीज की तरफ। और ग्राउंड वायर का क्या मतलब होता है बेटे? वायर हाँ जी बेटे, फिर आपने इसको रूट काज बताना होता है। इसी की वजह से, करंट की वजह से होने वाले जो मौत है, अवॉइड्स इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन के मतलब क्या होते हैं? करंट की लगने की वजह से जो फैटल एक्सीडेंट्स हैं वो अवॉइड होते हैं। अगर ग्राउंड वायर नहीं होगी, रिमेम्बर, और ये बिजली का वायर है, मैं इसको ऐसे हाथ लगाऊंगा तो ये मेरे को छोड़ेगी नहीं, पकड़ के रखेगी जब तक मैं डेथ नहीं हो जाती। अगर अर्थ वायर भी इसमें लगी होगी तो व्हाट व्हाट इज देयर, तब मेरे को वो जर्क लगा के पीछे फेंक देगी, पकड़ेगी नहीं वायर, इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका करैक्टर होता है। और जब हमारे घरों के मीटरों में आती है, जहां पर फ्यूज वगैरह लगे होते हैं या सेफ्टी डिवाइसेस होती है, फ्यूज, फ्यूज का सिंबल बनाया टीचर ने, या इसकी जगह आजकल एमसीबी यूज करते हैं, दोनों का एक ही काम है। एमसी का फुल फॉर्म बताएगा बेटे कोई बच्चा? एमसीबी फुल फॉर्म, मिनिएचर। बिल्कुल सही। तो ये लाइव वायर जो होती है ये रेड कलर की होती है, न्यूट्रल वायर जो होती है इसके दो कलर हो सकते हैं, ब्लू या ब्लैक, और ग्राउंड वायर जो होती है वो ग्रीन होती है बेटे। ये पूरे वर्ल्ड में ये कन्वेंशन रिकमेंड करी गई है, कौन सी? रेड, ब्लैक, ग्रीन। लेकिन इलेक्ट्रीशियंस ने प्रैक्टिस की वजह से ब्लू को भी चला दिया इसी में, और अर्थ भी कभी कभी येलो भी कर देते हैं, लेकिन वो ऑफिशियली रिकमेंडेड नहीं है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड कौन सी है? रेड, ब्लैक, ग्रीन। ओके, जब ये वायर्स यहां आती हैं बेटे, सपोज करो यहां पर मेरा लोड है फैन। अब फैन की बैक साइड पर मेरी मैन्युफैक्चरर ने दो वायर्स बना के रखे हुए, तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखना, ये मीटर से निकली हुई दो वायर्स हैं, मैंने लाइव को यहां जोड़ दिया और न्यूट्रल को यहां जोड़ दिया दूसरी वायर पे, फैन पे। गॉट इट? लेकिन ग्रीन वायर भी तो जोड़नी है। ग्रीन वायर जुड़ती है इस फैन की मेटेलिक बॉडी के ऊपर। ग्रीन वायर हमेशा लोड की बॉडी के ऊपर जुड़ती है। ग्रीन वायर, लोड क्या होता है? एनीथिंग विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन बी फैन, रेफ्रिजरेटर, वट एवर, गीजर भी हो सकता है। तो इस तरह से ये पहला लोड हमने कनेक्ट किया। अब मान लो मेरे पास एक और लोड है, मान लो ये मैंने आपके सामने, अपने बच्चों के सामने रेफ्रिजरेटर बना दिया, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। तो इसकी भी ये दो वायर्स हैं, और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहीं से दो वायर्स लेके जाऊंगा। देखो, मैंने फेज वायर को उठाया, रेड को लाइव के साथ साथ फेज भी बोल देते, ये मैंने लगा दिया इधर। जो ब्लैक वायर है न्यूट्रल, उसको भी दूसरी वायर पे लगा दिया। इसमें सर्किट कंप्लीट हो गया।
लेकिन अगर मेरा यहाँ हाथ लग जाए अब और मेरे को करंट लग जाए, तो मेरा बॉडी लोड बन जाएगा और करंट जाएगा अर्थ में और मेरे को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मैं एक्सपायर नहीं हो जाता। पर अगर मैं ग्रीन वायर को ले आऊं और इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर ये जो मेटल का स्क्रू लगा हुआ है कोई भी, उसके साथ इसको टाइट कर दूं, अर्थ वायर हमेशा बॉडी के साथ लगती है, तब ये रेफ्रिजरेटर मेरे को जर्क तो मार सकता है लेकिन मेरे को पकड़ नहीं सकती इलेक्ट्रिसिटी, राइट? डेथ नहीं होएगी, फेटल एक्सीडेंट नहीं होएगा, इलेक्ट्रिक शॉक तो लग सकता है। तो ये इसका प्रोटेक्टिव फीचर होता है अर्थ वायर का। और एक बात बेटे, आपने एक चीज नोट करी, टीचर ने इसको भी इंडिपेंडेंट वायर्स दिए हैं रेफ्रिजरेटर को और फैन को भी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरलर में? कैन एनीबॉडी टेल मी, सीरीज में कनेक्टेड है या पैरलर में? पैरलर में, शाबाश, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली जा रहा है, ये इंडिपेंडेंट लेके जा रही है अपनी वायर। तो जो जितनी भी डोमेस्टिक वायरिंग होती है, डोमेस्टिक, वो पैरलर में होती है, सीरीज में नहीं होती। सीरीज में ये तब होती अगर यहां से लाइव वायर होती और फैन को लगा होता, फिर ये आगे चली गई होती वायर, या फ्रिज को लगी होती, फिर ये आगे चली गई होती, फिर वापिस दोनों मीटर्स में होती। ये सीरीज में होती अगर लगी होती, पर सीरीज में नहीं होती, हमने पैरलर में लगाई। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन ऑफ कनेक्टिंग द लोड्स एट होम इन पैरलर? ताकि अगर मान लो रेफ्रिजरेटर अंदर से खराब हो जाए, उसकी कॉयल खराब होगी, ये चलना बंद हो गया, तो ये सर्किट ब्रेक हो गया एक तरह से। तो फ्रिज अगर खराब हो गया तो ये चलना बंद हो जाएगा, इट विल डजन इट विल नॉट ऑपरेट, बट इफेक्ट ऑफ इट्स नॉन ऑपरेशन विल बी जीरो ऑन द ऑपरेशन ऑफ फैन। फैन एज इट इज चलता रहेगा क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंट वायर्स हैं। अगर ये सीरीज में होता और फ्रिज खराब हो गया होता हमारा, तो सर्किट ब्रेक हो गया होता, सारे ही सर्किट में करंट कराओ सप्लाई बंद हो गई होती, तो फैन ने भी बंद हो गया होता चलना। सो द ओनली रीजन ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ लोड्स, ऑल द लोड्स, गीजर, फैन, वट एवर, इन पैरेलल एट होम इज दैट इफेक्ट ऑफ ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल कंडीशंस ऑफ वन लोड शुड नॉट बी देयर ऑन द ऑपरेशन और नॉन ऑपरेशनल कंडीशन ऑफ द अदर लोड। इज दैट क्लियर? अब अगर कोई बच्चा बोले, सर आप इसमें की पॉइंट बता सकते हो, व्हाट इज द की टेक अवेज जो मेरे को पेपर में लिखने ही लिखने हैं? बिल्कुल, एक आपको एल्यूमिनियम केबल क्यों यूज करनी है ये बताना होगा, दूसरा आपको बताना होगा तीन वायर्स होती हैं, तीसरा आपको बताना होगा कौन सी वायर करंट लेकर आती है, कौन सी वापिस लेके जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन तक, और ग्राउंड वायर अगर ना हो तो बिजली के करंट लगने से क्या होगा, अगर ग्राउंड वायर हो तो क्या होगा। फिर आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में छोटा सा बताना पड़ेगा, फिर स्ट्रेस देनी होगी स्पेशल पैरेलल कनेक्शंस के ऊपर। इतनी बातों को आप जो सात आठ बातें हैं प्लस फिगर जरूर बनाना है, जो बुक में बना हुआ, ये वाला फिगर नहीं, ये तो मैंने रफ टाइप बनाया, बुक में जो फिगर बनाया उसको अच्छी तरह से बनाना है, तब आपको इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स या 4 मार्क्स मिल सकते हैं। वॉट इट शुड शुड बी गो टू द बैक टू द असाइनमेंट? ओके बेटे, ये मेरे मन में था कि मैं एक बार बच्चों को बताऊं, और मेरे को उम्मीद है कोई ना कोई नया पॉइंट आपको जरूर पता लगा होगा। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन व्हाट? सी ऑप्शन कह रहे हो? बेटे उसने डायरेक्शन पूछा है सिर्फ, फिर से सोचो, शाबाश, और सोचो, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर
इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट बट नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. डायरेक्शन ऑफ फील्ड नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. देखो ध्यान से सुनना आप जरा, अगर ये एक करंट कैरिंग वायर हो, ध्यान से सुनना बेटे, और उसमें आई करंट जा रहा हो और उस वायर की लेंथ एल हो, तो करंट इंटू लेंथ को करंट एलिमेंट बोलते हैं. करंट इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर को एलिमेंट. और इधर कहीं मैग्नेट का नॉर्थ हो, इधर कहीं साउथ हो, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाती हैं. तो इसको बी से लिखते हैं. तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टेस्ला. गॉट इट? जब हमें करंट वेक्टर पता लग जाए और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पता लग जाए, तो हमने इस मैग्नेटिक फील्ड ने कितना फोर्स इस वायर पे लगाया, अगर उसको कैलकुलेट करना हो तो उसका आंसर होता है ये, के एक कांस्टेंट है. और ऐसे ही सिस्टम में इसका वैल्यू, चलो वन निकलता है, चलो इसको रहने दो, फिर जब वन निकलता तो एफ की वैल्यू निकलती है आई एल बी साइन थीटा. जब भी क्रॉस वाली मल्टीप्लीकेशन हो साइन थीटा लगाते हैं. साइन थीटा क्या है? जिधर को करंट एलिमेंट है और जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है, उनकी डायरेक्शंस के एंगल बीच. ये देखो फोर्स, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इससे मिलती है. जब आप कहते हो ना, आप राइट हैंड ये वाला रूल लगाते हो, लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड, तब आप इस थीटा को 90 बना लेते हो, पर ये नॉन 90 भी हो सकता है प्रैक्टिकली, राइट? तो जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे तो डिपेंड हो ही गई, करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड हो गया ना बेटे. देखो करंट की डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन पे फोर्स डिपेंड हुआ, तो आपका सी ऑप्शन हुआ, सी. ओके, इज दैट क्लियर? तो ये फार्मूला अगर आपको नहीं पता था, आपको लिख लेना चाहिए फिगर बनाकर, फिगर बनाकर. ये क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कहां पर? जब इसको कहां रखा हुआ है? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब हुआ सिक्स्थ का सी. लेट्स मूव टू द अजर्शन रीजन. सेवंथ क्वेश्चन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मेक ए क्लोज्ड लूप. बोलो बेटे यस या नो. हाँ जी, अजर्शन करेक्ट है कि नहीं? इतनी देर बेटे, अपना जो माइक वाला टेबल है ना, इसको जरा नजदीक करो अपने, हम कुछ सुनता ही नहीं है मेरे को आपका रिस्पांस. जिस टेबल पे माइक रखा है उसको जरा पास खींचो. हाँ मेरे को कुछ सुने तो सही मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं. सो अजर्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक दी क्लोज लूप. इसका करेक्ट है क्योंकि आपको टीचर ने बताया था मैग्नेट के अंदर से भी लाइनें जाती हैं साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ इनसाइड दी मैग्नेट, और नॉर्थ से साउथ जाती हैं आउटसाइड दी मैग्नेट. गॉट इट? तो क्लोज लूप बन गया. रीजन, नॉन मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. नॉन मैग्नेटिक पोल्स, बोलो, नॉन मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. करेक्ट और रॉन्ग बोलो. करेक्ट ही है बेटे, जितने भी हमने देखा, चाहे अर्थ है ना, अगर अर्थ भी आपकी वेव्स लाइक ए बिग बार मैग्नेट आपने सुना होगा, तो उसमें भी दो पोल्स होते हैं, राइट? लेकिन अर्थ के पोल्स को याद रखना अपोजिट होते हैं. जो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है ना अर्थ का, अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ और अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ. तो मैग्नेट का, मैग्नेट अर्थ बिहेव्स लाइक ए बिग बार मैग्नेट. जिधर नॉर्थ ज्योग्राफिक है उधर मैग्नेटिक साउथ होता है. ओके, ये याद रखना. तो दो पोल्स का होना जरूरी है, नॉन मैग्नेटिक पोल होते ही नहीं है. बिल्कुल सही.
एट्थ क्वेश्चन, अजर्शन देखते हैं, रीजन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट चेंजेस। ओके, इफ द सर, करंट थ्रू द कॉयल इज डबल्ड, बोलो करेक्ट या रॉन्ग, बोलो बेटे। करेक्ट है ये चेंज। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे, योर अटेंशन। इसके लिए लेट मी सी, अगर कोई वायर पड़ी हो, हाँ पड़ी हो, इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ध्यान से देखना, आपको कुछ नई चीज समझ आएगी इसमें। तो मेरे पास बेटे, मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया, आप समझ लो कि उसमें करंट जा रहा है। ये देखो ये वायर है, मैं इसको सर्कुलर शेप दे देता हूं, राइट। तो सर्कुलर शेप देने पर आप ये समझ लो, आप इस समझ लो कि इसका एक ही लूप है और उसमें करंट जा रहा है ऐसे। योर अटेंशन, मैं नजदीक लेकर आता हूं, ऐसे करंट जा रहा है, लुक हियर, ऐसे। ओके, तो जब करंट यहां से निकला तो मेरे को यहां पर राइट हैंड फिस्ट रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल भी बोला था आपने। तो जब करंट ऐसे जा रहा है तो मैं अंगूठा उधर को रखूंगा अपना, तो फिंगर्स में से यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही है ऐसे जाए। फिर जब यहां करंट पहुंचे तो मैंने ऐसे रखना, ठीक है। तो हमेशा राइट हैंड की मदद लेनी है आपने, राइट हैंड थंब रूल। यहां से निकला तो यहां, तो अंदर से फिंगर्स आ रही है ऐसे, राइट। क्लियर है बच्चे? तो जब इसमें से करंट निकलता है ना, आई, कितना करंट आई निकलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। लेकिन करंट इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है ऊपर से देखने से या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वो बताता है हमें कि ऊपर नॉर्थ बनेगा कि साउथ। मान लो मैं इस कॉयल को ऊपर से ऐसे देख रहा हूं, राइट। तो मेरे को लगता है करंट ऐसे जा रहा है, गॉट इट। और मैं ये सोचूं अब कि यहां पर घड़ी का क्लॉक पड़ा, क्लॉक उसकी हैंड्स तो ऐसे जाती हैं। अगर 12 यहां लिखा है, 1 यहां लिखा है, तो उसकी हैंड्स ऐसे जाएंगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। पर मेरा कॉयल में डायरेक्शन करंट जा रहा है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के स्पेलिंग्स में टीचर ने एन को कैपिटल करा था कल, तो इसका मतलब ऊपर से मेरे को अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो ऊपर नॉर्थ होएगा और ऑटोमेटिकली नीचे साउथ हो। और उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैंने यहां पर राइट हैंड फिस्ट रूल लगाया, तो थंब उधर जा रहा है, तो फिंगर यहां से अंदर से निकल रही है बाहर को। फिंगर्स क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है? हमेशा नॉर्थ पोल से। तो अगर फिंगर्स मेरी कॉयल के अंदर से बाहर को आ रही है, इट मीन यहां पर नॉर्थ है। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? Yeah. तो रीजनिंग के साथ कई बार बच्चों को नहीं पता होता, वैसे उन्होंने याद करा होता है कि जी हाँ ऐसे ऐसे। तो टीचर ने आपको रीजनिंग के साथ बताया। एट्थ का रीजन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डिपेंडेंट अपॉन द करंट इन द कंडक्टर। मैंने पहले ही बता दिया, जितना करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा सर्कुलर कॉयल में, चाहे नॉन सर्कुलर कॉयल भी हो, सोलेनोइड भी हो, चाहे चाहे स्ट्रेट लाइन हो, जितना करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन बेटे, नाइन्थ के अजर्शन और रीजन में पार्टिसिपेट करो। फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ द कॉयल। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी है ना बेटे, कोई मतलब ही नहीं निकला इसका तो। फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज एट दिस। अच्छा, कहां पर होगा मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड मेनली
कॉइल के सेंटर पर ही होता है, पर ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड। अभी टीचर ने आपको क्या बताया, अभी टीचर ने इस वायर की मदद से बोला था ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, तो अगर अंदर से आ रही है तो बाहर से जाते हुए भी तो अंदर आएंगी। यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक ए क्लोज लूप। अगर यहाँ नॉर्थ से निकल रही है तो साउथ में एंटर करना है, तो बाहर से निकल के ही तो जाएंगी। यस, तो इस लाइन में आप एक काम करो, इसकी लैंग्वेज में लिख दो मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली, कर दो एट, ओनली एट, फिर हम इसको रॉन्ग कर देंगे। शाबाश, एट से पहले ओनली कर दो। अगर ओनली उसने वर्ड बोल दिया ओनली लगाने के बाद तो गलत है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर भी होता है। रीजन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कुलर कॉयल। ये ठीक है कि जो सर्कुलर कॉयल से जितना जितना हम दूर जाएंगे उतना उतना मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जाएगा। डिस्टेंस, अच्छा ये तो प्रोपोर्शनल लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कुलर कॉयल। गलत, जितना हम सर्कुलर कॉयल से, देखो बेटे ये सर्कुलर कॉयल है, उसके सेंटर से जितना हम दूर चलते जाएंगे, ये पॉइंट यहां था फिर यहां हो गया, उतना तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। यस या नो बोलो, तो ये गलत हो गया। ये नाइन्थ क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है, इसको सेट करने वाला। लेट्स मूव टू द टेंथ क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंडक्टर वाज हेल्ड अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट एंड स्टेट द रूल अप्लाइड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो सभी बच्चे, और इसका मीनिंग कौन बताएगा, माइक पे आकर कौन बच्चा मेरे को इसका मीनिंग बताएगा। क्वेश्चन, इज देर एनी डेयरिंग स्टूडेंट इन द क्लास, एनी डेयरिंग स्टूडेंट। वो कह रहा है, ध्यान से सुनो बेटे, वो कह रहा है एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। हमने कहा जी ओके, इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें जो करंट है ना, या करंट को आपने रिसीवर बन के देखना होता है। ये कहता है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी पीछे से निकल के ऐसे आ रहा है। यहां से मैं डार्क कर देता हूं, मतलब वायर के ऊपर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाए। ओके, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। वी हेल्ड इट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो इधर ईस्ट लगा लो, इधर वेस्ट लगा लो। ओके, तो क्या करें, वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको टीचर ने क्या सिखाया था बेटे, इट इज हेल्ड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कंडक्टर वॉज हेल्ड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वट इज द करंट थ्रू इट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट वो हमसे ऐसे पूछ रहा है कि आप बताओ ईस्ट से वेस्ट होएगा या वेस्ट से ईस्ट होएगा, ये पूछना चाहता है वो करंट। देखो बेटे, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट लूंगा और मैं ये इधर ऑब्जर्वर बन के देख रहा हूं, ऑब्जर्वर, कोई बच्चा कह रहा है सर ऑब्जर्वर इधर से भी देख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन करंट का रिसीवर बन के देखना होता है, जिधर करंट आ रहा उधर खड़े होकर देखना होता है। तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा मीन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इट मीन्स ये मैंने करंट की डायरेक्शन सही दिखाई है। क्यों, कैसे दिखाई है, इट सेटिस्फाइज द राइट हैंड फिस्ट रूल, राइट हैंड थंब रूल, उसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे। सो आंसर इज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दूसरा, विच रूल डिटरमिन, वो आपको बता ही दिया, राइट हैंड फिस्ट रूल। क्लियर हुआ बेटे आपको, लेट्स मूव टू द इलेवंथ क्वेश्चन। इलेवंथ क्वेश्चन एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और काफी लंबा चौड़ा पैराग्राफ है।
इसको माइक पर आके जो बच्चा पढ़ेगा उसका मैं नाम बोल रहा हूं। पूजा करके एक बच्चा है, पूजा आ जाओ बेटे, बिल्कुल माइक के बिल्कुल पास खड़े हो जाओ, और आपने बहुत ही अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे वरना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। रीड इट। A magnetic field is described by drawing the magnetic field line. When a small north magnetic pole is placed in the magnetic field created by a magnet, it will experience a force. And if the north pole is free, it will move under the influence of magnetic field. The path traced by a north magnetic pole is free to move under the influence of magnetic field is called a magnetic field line. Since the direction of magnetic field line is the direction of force on north pole, so the magnetic field lines always begin from the north pole of a magnet and end on the south pole of the magnet. Inside the magnet, however, the direction of magnetic field line is from the south pole of the magnet to the north pole of the magnet. Thus, the magnetic field lines are closed curves. When a small compass is moved along a magnetic field line, the compass needle always sets itself along the line tangential to it. So, a line drawn from the south pole of the compass needle to its north pole indicates the direction of the magnetic field at that point. बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आपकी एज के हिसाब से आपने बड़ा अच्छा पढ़ा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हालांकि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटे जो इंग्लिश को पढ़ते तो हैं, रुक रुक के पढ़ते हैं। आज मैं उनको फार्मूला बताता हूँ कि हाउ यू कैन रीड द एनी टेक्स्ट वेरी फ्लुएंटली। तो उसका एक बहुत ही बढ़िया मेथड है कि जिस पर्टिकुलर वर्ड को आप बोल रहे हो ना, अपनी नजर को उससे दो चार वर्ड आगे रखो राइट साइड पर, तो आपका बहुत अच्छा पढ़ा जाता है। लाइक दिस, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। व्हेन ए स्मॉल कंपास इज मूव्ड अलोंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द कंपास नीडल ऑलवेज सेट्स इटसेल्फ अलोंग द लाइन टेंजेंशियल टू इट। सो यू कैन रीड इवन बेटर बच्चे। तो अभी जिस पूजा ने, जो बच्चे ने पढ़ा था, इसका आवाज बहुत अच्छा है लेकिन फ्लो अभी 20% स्लो है। शाबाश बेटे, मेरे को उम्मीद है इन द इयर्स टू कम यू विल इम्प्रूव। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं इसमें इसने करा क्या है। एक बार मैग्नेट ले लिया बेटे, और इस बार मैग्नेट में के पास उसने कंपास रख दिया बच्चे। अब मेरे को बताओ, अगर ये कंपास है तो जिस साइड को, निडल को मैंने डार्क कर दिया, अगर वो नॉर्थ है तो क्या ये पोजीशन सही है कंपास की कि नहीं? तो योर आंसर शुड बी, सर ये सही है। क्यों? जिस तरफ टीचर ने डार्क नहीं करा, अगर वो साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो ये बिल्कुल सही पोजीशन है। व्हाई? बिकॉज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बार मैग्नेट का नॉर्थ निडल के साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। गॉट इट? अगर मैंने इस कंपास को यहां से उठा के यहां रख दिया होता, सपोज यहां रख दिया होता, तो भी तो ऐसे ही होता, साउथ अट्रैक्ट होता और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होता। तो ये थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया होता निडल का, लेकिन इस जगह पर आ गया होता, राइट? अगर मैं इसको यहां रख दूं कंपास को, तो क्या होएगा? तो भी ऐसा होगा, साउथ यहां आ जाएगा, नॉर्थ इधर। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ने कंपैरेटिवली इस नॉर्थ से दूर ही रहना है, साउथ पास रहेगा कंपैरेटिवली डिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरह से मैं इनके ऊपर डॉट लगाता जाऊंगा, जिधर नॉर्थ है यहां डॉट लगा दिया, वहां पर मैंने कंपास रखा, फिर अगला नॉर्थ आ गया यहां डॉट लगा दिया, फिर वहां पर कंपास रखा, एंड सो ऑन। नीचे व्हाइट शीट लगा रखी होती है, आपने लैब में शायद ये एक्सपेरिमेंट करा होगा, हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो जब ये सारे डॉट हो जाएंगे तो मैं कंपास को उठा के रख दूंगा, और इन डॉट्स को अप्लाई करते 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 आप देखोगे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, और इसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब। गॉट इट?
कितने बच्चों ने ये लैब में एक्सपेरिमेंट करा? रेज योर हैंड्स। लैब में तो ये शायद शायद सर करा देंगे, जो भी टीचर है आपके, या तो वो उनसे स्लिप हो गए। कई बार स्कूल में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो टीचर से एक आधा सेक्शन मिस हो जाता है, उसको याद नहीं रहता इसको नहीं कराया, पूछ लेना। या फिर वो अभी उनके प्लान में होएगा कि मैं करा दूंगा, पर ये दिस इज इन द सिलेबस ऑफ 10th क्लास, आई एम डेड श्योर अबाउट इट। सो बेटे लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल बुडन टेबल, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी। अगर एक लकड़ी के ऊपर वर्टिकल बाल मैग्नेट खड़ा कर भी देंगे तो उसका कोई असर आएगा? नहीं आना चाहिए, है ना। मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन ना, इसका आप चुपचाप से दोनों सेक्शंस में कर दो, इट विल बी इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। अगर मैं इसके नीचे लकड़ी रख दूंगा तो ये थोड़ी है कि फील्ड लाइन मैंने ऐसे लगा दी तो हॉरिजॉन्टली रहेगा। तो वो 3D, अगर मैं कंपास को ऐसे ऐसे करता तो ऐसे भी मैग्नेटिक लाइन हो जाती, यहां यहां लेकर आता तो ऐसे भी मैग्नेटिक लाइन। इट इज ऑलवेज 3D, हॉरिजॉन्टल एज वेल वर्टिकल, दोनों में मैग्नेट। देखो ये वाला पोर्शन वर्टिकल सेक्शन है, राइट, ये वाला वर्टिकल, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां भी आएंगी यहां भी, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल भी हो गया, तो दोनों में होएगा। सो इसका मतलब 11th के फर्स्ट पार्ट का सी ऑप्शन हुआ। लेट्स मूव टू द 11th सेकेंड पार्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी यूज टू डिटरमिन, बोलो क्या, शेप ऑफ द फील्ड लाइंस, ओनली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओनली द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ डी डी ऑप्शन। बेटे डी ऑप्शन। एक बच्चा मेरे को पूछता है दूसरे सेक्शन का, आपने तो अच्छा जवाब दिया सर, डायरेक्शन से तो मेरे को अंडरस्टूड है, लेकिन आपने इसमें स्ट्रेंथ को क्यों टिक कर दिया? तो मैंने उस बच्चे को बोला बेटे आपको शायद पता होना चाहिए, जिस तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस पर्टिकुलर स्पेस में दे आर क्लोजली पैक्ड, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीकर है, स्पेस्ड है, काफी गैप है यहां पर, तब वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीकर होती है। तो आप देखोगे कि यहां पर ये क्वाइट स्पेस्ड है, लेकिन आपको पता है कि जब नॉर्थ या साउथ पोल पे एंटर करती हैं यहाँ इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो गया और यहाँ वीकर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसका मतलब इनका आपस में स्ट्रेंथ का भी कंपैरिजन हो गया, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी हमें पता लग जाता है किससे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करने से। और डायरेक्शन तो पता ही लग रही है, देखो नॉर्थ से निकल रही है साउथ में एंटर कर रही है। सो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब मूविंग टू द 11th का थर्ड क्वेश्चन, बट इन थर्ड पार्ट, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व्स, नो फील्ड लाइंस कैन क्रॉस इच अदर, क्राउडेडनेस ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन गलत है, और हमें पता है बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन क्वेश्चंस हैं, तो हमें पता है। एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा आंसर बताया था कल, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर कट ईच अदर, राइट, कैन नेवर कट ईच अदर, तो इसमें बी ऑप्शन गलत है ना। बॉयज आपका नॉट ट्रू, अच्छा नॉट ट्रू है बेटे, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन साइड, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, क्या बात, इन साइड तो साउथ से नॉर्थ होता है बच्चे। कोई बच्चा बॉयज में, एनी बॉय अमंग द गर्ल कैन रिप्लाई मी वंस अगेन, वाई टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर कट ईच अदर, कैन नेवर कट ईच, कोई बच्चा दोबारा बताएगा? बॉयज में बेटे, बॉयज में चाहिए एनी बॉय स्टूडेंट, बेटे माइक पर आके, क्लास में एक भी डेयरिंग बॉय है? बॉय देख लो, गर्ल्स आपकी क्लास में एक भी डेयरिंग बॉय नहीं,
देख लो, आप सोच लो जरा आप। हालांकि ये क्वेश्चन कल किया था मैंने। नॉट इवन ए सिंगल बॉय इज डेयरिंग इन द क्लास। इनके नाम क्या क्या है भाई? देखो तो सही, नॉन डेयरिंग बॉयज कौन कौन से? प्रभदीप, यश, सुखमन, ये सारे नॉन डेयरिंग है? इतने अच्छे अच्छे नाम है सभी के। कान कैन 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 इट बी एनी सिंगल स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास? अच्छा, गर्ल्स में आपने आंसर नहीं करना, लेकिन रेज योर हैंड इफ यू कैन आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 गर्ल्स आर यू रेडी टू आंसर? यार 7 गर्ल्स। और बॉयज में अगर मैं ये पूछूं कि आंसर करना नहीं है लेकिन बताना नहीं है माइक पर, लेकिन यू नो इट कॉन्फिडेंटली, वेरी ट्रू, शाबाश, रेज योर हैंड्स। 2 बच्चे, बैठ डाउन। देखो बेटी, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जब किसी बच्चे को आंसर पता हो ना और वो माइक पे बोले ना, उसके 2 कारण होते हैं, 2 रीजंस, दोनों में से एक भी हो सकता है दोनों। पहला तो ये होता है कि वो बच्चे का, उसको वो बोलेगा सर मैं लिख दूंगा लिख दूंगा, बोलूंगा नहीं लिख दूंगा। ऐसा तब होता है जब उसका इंग्लिश वीक हो, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है, सेंटेंस मेकिंग बनाने में वो बना लेता है रुक रुक, तो दैट स्टूडेंट शुड इंप्रूव द इंग्लिश। दूसरा बच्चा, दूसरा कमी क्या हो सकता है, उसको उसकी लीडरशिप क्वालिटीज वीक होती हैं, उसको पब्लिक को फेस नहीं करना आता। ऐसा बच्चा फिर कैन नॉट बी ए गुड पब्लिक स्पीकर। तो ना बोलो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने आपको बता दिया, वक्त रहते अपनी यह कमी निकाल लेना। सो 12th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट फिक्सेस ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड, प्लेसेस द बार मैग्नेट इन द सेंटर एंड स्प्रिंकल्स आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, देन ही टैप्स। हाँ बच्चे, ये एक्सपेरिमेंट तो आपने 8th में भी करा होगा। व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन ए पर्टिकुलर पैटर्न? शाबाश बॉयज में से एनी वन बॉय फ्रॉम देयर सीट ओनली, नो नीड टू कम टू द माइक, कैन यू स्पीक इट नाउ? भाई गड़बड़ है, क्योंकि अगर मेरे टीचर ने ऐसे बोला होता तो मेरे को तो अंदर से खुद को ही ऐसे लगता है, यार ये क्या बात है। बोलो बेटे, अगर इफ यू आर रेजिंग योर हैंड, व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ ए ए पार्ट? शाबाश, ये बनी, एटलीस्ट देयर इज ए गाय। डेयरिंग था थोड़ा सा, पता नहीं क्यों रिलेक्टेंट था बच्चा ये। हाँ जी बेटे, व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन ए पर्टिकुलर पैटर्न? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। शाबाश, तो आयरन फील्ड लाइंस हैव टू अरेंज देमसेल्व अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल रहा है आपने, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? ठीक है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और आपको ये लगा होगा सर जबरदस्ती कहते, जबरदस्ती नहीं कहते टीचर, देर इज ऑलवेज ए मतलब विश ऑफ इम्प्रूवमेंट। टीचर जो अच्छा टीचर होता है उसके मन में होता है मेरे बच्चे में कोई हुनर आए, हमेशा ये एंगल होता है टीचर से। तो सेकंड पार्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड दी बार मैग्नेट? विच फिजिकल क्वांटिटी? तो आप इसमें बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये होता है फिजिकल क्वांटिटी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मत बोल देना आप सेकंड क्वेश्चन, आपको बोलना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप बोलोगे सर ये क्यों बोलना है, क्योंकि आगे देखो उसने क्या लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसको मापा जा सके, मेशरेबल, इट इज द डेफिनेशन। एनी दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेशर्ड एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स। तो बी को हम लिखते हैं कि इतने टेस्ला, इतने टेस्ला, ये मैयर करी जाती है, ना कि फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन ही मैयर करते हैं। सो आंसर शुड बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दोगे तो भी इसका नाम सही है। सी पार्ट,
स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइंस, ये तो आप लिख ही दोगे। तो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है? नेवर का टीचर। दूसरा बेटे, जहां जहां पर वो कॉन्सेंट्रेटेड है वहां स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर वो स्पेस्ड है वहां पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा क्या होता है? ये आर बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एट दी पोल्स, पोल्स। ओके बेटे, चौथा क्या था? एक और सुन लो, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो ये साइड वाइज आप एक दूसरे को रिपेल करती हैं हमेशा। इसके लिए टेक्निकल वर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल रिपल्शन। लेटरल रिपल्शन, साइड वाइज, लेटरल मैंने साइड वाइज, एक दूसरे को धक्का मारती है साइड वाइज। ठीक है, एक और बात सुनना, अगर एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली, साउथ में एंटर करी, ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही है ना, इसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि अपने आप को लंबाई के रूप में कम से कम रखे, अपने आप को लंबाई के रूप में कम से कम रखे। इसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। और क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री से अमिट होती हैं और 90 डिग्री से ही एंटर होती हैं साउथ पोल पर। इतनी सारी प्रॉपर्टी बता दी, मेरा ख्याल 5-6 बता दी। गर्ल्स में कोई ऐसा बच्चा है जो सारी की सारी 5-6 प्रॉपर्टीज बता सके? एनी गर्ल कॉन्फिडेंट कि सर मैं बता दूंगी? प्लीज कम ऑन द माइक। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। हाँ देखा, जब मुश्किल क्वेश्चन है तो गर्ल्स में भी कोई नहीं आ रहा, सारी बतानी है लेकिन शर्त ये। अब कोई बॉयज में आ सकता है बेटे? देखो, नो गर्ल इज कमिंग ऑन द बाइक। अब अगर कोई बॉयज में आ जाए तो मेरे को मजा आ जाए। आई एम आस्किंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। शाबाश, नहीं आ रहे तो आप जरा लिख लो, फिर टीचर आपको समराइज कर रहा है। शाबाश, कॉन्फिडेंस कम है इसका मतलब, लिख लो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर वन। शाबाश बेटे, नंबर वन। चलो शेयर करो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टू, मैं आपसे पूछ के लिखवाऊंगा, लिखो। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लिख लो फर्स्ट। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, शाबाश। आ दूसरी लिखो, दे अमिट परपेंडिकुलरली फ्रॉम नॉर्थ पोल, दे मिट परपेंडिकुलरली फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर परपेंडिकुलरली एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। तीसरा बेटे, थर्ड, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल रिपल्शन। शाबाश, नेक्स्ट, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। हाँ जी, सर अवर टाइम इज ओवर, अवर टीचर इज वेटिंग। ओके ओके बेटे, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। आखिरी के दो पॉइंट आपने लिखने हैं कि मोर स्पेस्ड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर, वीकर इज द मैग्नेटिक फील्ड। और एक और चीज लिखनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एट द पोल्स बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट दैट प्लॉट। ठीक है बेटे, तो M2 जो है ना मॉड्यूल, आप घर से करके आओगे तभी मैं कराऊंगा आगे M2। ओके बेटे, आज का लेक्चर समझ आया तो दोनों हाथ वेव करो। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू बेटे। प्लीज कॉल योर टीचर। बाय बेटे, बाय, खुश रहो। थैंक यू टू द टीचर फॉर सो गुड डिसिप्लिन।